तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम माल देवता जा रहे हैं। माल देवता के पास एक वाटरफॉल है जो कि हिडन है, और पहली बार जा रहे हैं हम उस हिडन वाटरफॉल पर। मैं आपको दिखाऊंगा कि रास्ता कहाँ से है और कितनी अच्छी जगह, वॉर्थ है जाना है नहीं है। तो अभी देख लो, अभी रोड है जो माल देवता जाने हैं, तो फिर अभी सीधा आगे चलते हैं। तो गाइस देखो, माल देवता ब्रिज हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ भी स्टंटबाजी हो रही है, फुल रीलबाजी हो रही है। और देख लो, तो फिर अब आगे निकलते हैं, पहाड़ है। और मैं आपको बता दूँ किस रास्ते से हमने जाना है, कौन से रास्ते जाना है भाई। अभी हमने यहाँ ये से देखो ऊपर जो लेफ्ट ऊपर जा रहा है लेफ्ट। ना, बस लेफ्ट में। अब देख लो, आप रास्ता याद कर लो, यहाँ से लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो देखो, अभी थोड़े से नीचे आ के फोटो वोटो खींच के आ रहे हैं, और अब फटाफट निकल रहा है क्योंकि मेरी हालत खराब हुई। और देखो नदी कितनी प्यारी लग रही है। तो माल देवता पर यहाँ देखो, यहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है। अरे दिख जा दिख जा दिख जा, आए है आ गया फोकस। तो देखिए गाइस, ये हो रही है पैराग्लाइडिंग, अबे उसकी माल देवता बैटरी की तरफ भी होगी, होती है। बैटरी होगी उसकी। अब देखो, एक बार आपको लैंडिंग हो रही है। देखो लैंडिंग पता कहाँ होगी, लैंडिंग पॉइंट मेरे ख्याल से ये। अबे लैंडिंग पॉइंट तो ये, वो कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, देखिएगा, देखो देखो देखो, अब देखो किस ये देखो तरीके एक से। लैंड करा रहा है बंदा, उसे उसकी फटरी होगी पक्का, मुझे पता है। देखो यहाँ पे शायद लैंड चलो करा उसे पैराग्लाइडिंग में रहा जगह। है, मैं आपको बता दूँ, देखो माल देवता ब्रिज जाने का रास्ता ये, मगर आपको इधर नहीं जाना, हमने जाना है इधर इस वाले पॉइंट पे। ओके, तो चलो यहाँ चलते हैं। तो गाइस हर पॉइंट पे रुकने का मन कर रहा है, मतलब आप देख लो कितना ब्यूटीफुल है यार, मतलब माल देवता जाते हुए। और रास्ता यही है, अभी हिल स्टार्ट हो गया, और वाटरफॉल का पानी जो मेरे को लग रहा है यही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सही रास्ते पर जाए, वैसे यही सही रास्ता है, क्योंकि हम पूछ पूछ के जा रहे हैं तो किसी कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए हमने ब्लॉग भी बता रहे कि ये रास्ता है, इसलिए रुक रहे। और एक बार देख लो यार, कितनी औसम जगह है। ये एक पॉइंट है रुकने का यहाँ पे, और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, जो माल देवता ब्रिज है जो बहुत फेमस है, वो ये है, ये माल देवता ब्रिज। मगर उस तरफ नहीं, अब हम ऊपर को चढ़ चुके हैं, तो चलो आगे चलते हैं। तो गाइस जाते हुए बात रखना कि जब आप सीधे सीधे जाओगे तो एक लाल पुल आएगा, इस पुल का नाम ही लाल पुल है। तो लाल पुल से देखो, यहाँ से आपको राइट लेना, देखो दो रास्ते जा रहे हैं, तो लेफ्ट नहीं लेना आपको, जाना है राइट, राइट के बाद लेफ्ट। तो गाइस ये देखो लाल पुल के नीचे, और बहुत साफ़ पानी है, आप देख लो। पता नहीं कैमरा तो जज कर पा रहा नहीं कर पा रहा, बहुत बहुत साफ़ है यार पानी। वो देखो चाचा ही मज़े ले रहे पानी के। तो गाइस जब भी आप इस रास्ते से आ रहे होंगे, इस रास्ते से आने के बाद ये लाल पुल आएगा, उसका नाम ही लाल पुल है। तो यहाँ से अंदर होने के बाद आपको सीधा लेफ्ट लेना है, और इस तरफ जाना है देहरादून डिफेंस अकेडमी की तरफ। देखो जब आप जाओगे तो फिर यहाँ पर कुछ इस टाइप का जगह आएगी, मतलब एक पुल आएगा, आप लगा लो पहला जो पुल आएगा वहाँ से राइट ले लेना, और यहाँ से लेके हमें ऊपर जाना है। चलो ट्रैकिंग शुरू करते हैं, और टाइम हो रहा है अभी 4:42। तो गाइस अभी यार हम ऊपर जा रहे हैं, चिप्स वगैरह पैकेट लेके, और नीचे देख लो ये कुछ ऐसा व्यू है, और पता नहीं कितना टाइम लेगा, मैं आपको बता दूंगा। क्या पागल है क्या, चल ये भाई, बंदा बोल रहे हैं एक्टिवा लेकर आने के लिए। अब यहाँ कहाँ लाएंगे एक्टिवा यार, आप खुद लगा लो, पता कुछ तोल नहीं है स्कूटी लाने का। चलो ऊपर चलते हैं यार फटाफट, ज़्यादा बकवास नहीं करते, हालत ख़राब हो गई यार इतने में चलते हुए। तो गाइस मेरी एडवाइस, जब भी आओ सुबह का टाइम है, अभी मत हो चुके, अभी देखो अभी सूरज ढलने को है और हम जा रहे, और सब पता भी नीचे आ रहे, और हम ही बेवकूफ़ हैं यार जो ऊपर जा रहे ये और मैं, ठीक है। क्या बोले, देखते हैं मंजिल तक पहुँच भी पाए नहीं पहुँच पाए, अपने आप में चैलेंज है अपना माल लेके। तो गाइस देखो अभी हम आगे चल के पहुँचे, नीचे नदी आ गई है, और नदी से आगे देखते हैं कितना आगे यार वाटरफॉल। मैं आपको बताऊँ, अभी दो रास्ते आएंगे, ऊपर नहीं आपको नीचे जाना, तो हम फिर दोबारा नीचे आ गए। गाइस देख लो, दूर तक ना इंसान की जात। क्या मादर, क्या 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 भालू है, कहाँ कसम भाई, वो देख वहाँ पे भालू है, हट जा निकल जाए। अबे जंगली जानवरों की आवाज आ रही है, और आपको तो भालू था वहाँ पर, और लगा लो यार मतलब कितना रिस्की था यार, मतलब पकड़ लेता तो क्या कर सकता था, आप खुद लगा रहा फेक नहीं बिल्कुल, आप देख लेना। मैंने जूम भी करा था स्पेशली, जबकि मेरे को पता नहीं क्या बोलूँ यार, मतलब पता नहीं उस तरफ था कहीं यार, अभी भी मतलब हालत ख़राब हो रखी यार अभी। तो चलो फिर भी हम थोड़ा सा सेफ जोन में आ रखे, और मतलब टाइम अभी 5:05, 5:15। अब मान लो सामान में जैसे बोल रहा हूँ भाई, इंसान इंसान की जाता, आप खुद देख लो यार, वो तो पता नहीं कितने वक्त कैमरा घूमना खुला हुआ था। अब चलो निकलते हैं फटाफट। क्या चीज, हाँ सच में उधर उसका फोन था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरा वाला, रिकॉर्ड हो रखा रिकॉर्ड, वो लंगूर हुआ है इसमें रिकॉर्ड, वो लंगूर तो थे 3-4 वहाँ पे, पर दो चीते थे या फिर दो भालू थे, वो कोई ना वो तो था, क्योंकि बहुत दूर थे। चीते नहीं, तेंदुआ तेंदुआ तेंदुआ, हाँ सॉरी तेंदुआ या फिर वो तेंदुआ, नहीं उधर था कसम से। हम बहुत आगे हम गए, चले भी तो बहुत आगे गए थे, बहुत आगे चले गए थे हम, यहाँ पास में नहीं देखा था हमने, झरने के पास तक ही बस। तो गाइस बस
यही है मेरा लास्ट पॉइंट। अब इसके आगे व्लॉग मतलब व्लॉग आगे बनाऊंगा, मगर ये कि व्लॉग मैं इसी व्यू के साथ ख़त्म करूंगा। तो मैं आपको बता रहा कि चलो मैं आपको सच बता रहा, देखो तो मैंने वो नहीं देखा था जो भी था, वो भालू बुलू तेंदुआ तुंदुआ जो इस भाई ने देखा, मगर जिस हिसाब से भाई इसकी हालत हो रखी है ना अभी भी, आप देख लो कोने में बैठा हुआ और पागल हो रखा भाई ये इसने। और फिर वहाँ पे हाँ, फिर हमने तीन बहुत सारे लोगों से पूछा भी, वो कह रहे कि हाँ भाई इधर 100% भालू आते हैं और इधर चीते और चीता कह रहे फिर मैं तेंदुआ भी आता है। अब इसने पता नहीं, अब इसे थोड़ा सा वो होने दो, नॉर्मल होने दो। अब इसने पता नहीं तेंदुआ देखा चीता देखा, इसने पता नहीं क्या देखा भाई इसने, अब मुझे नहीं पता इसने क्या देखा। बस ये कह रहा कि इसने जानवर देखा, जैसे मैंने व्लॉग बनाया था तब इसने पता नहीं, हाँ तो जैसे मैंने व्लॉग शुरू करा था ना तब जैसे ही इसने चिल्लाया था वो देख, तब उसने उसकी तरफ मुड़ के देखा था, तब से भाई इसकी हालत ख़राब हो रखी। तो और मैं भी व्लॉग यार अब क्या बोलूँ भाई उसकी भी, आप देख लो कहाँ बैठे हो पागल हो रखो, कह रहा कि भाई मुझे क्लिप दिखा क्या थी वो क्या थी, और हालत ख़राब हो रखी उसकी, पागल हो रखा भाई वो, क्या बताऊँ मैं। और आप भी देख लो पता नहीं क्या था वो, अब मेरे को तो लग रहा भालू ही था देखो वो, क्योंकि तेंदुआ होता तब तक हम बचते नहीं, तो भालू ही था वो जो भी था यार। पर इतना पता है कि हाँ मैंने भी उसे देखा था, मतलब चलते हुए देखा था मैंने उसे, देखो लंगूर बैठे हुए थे, लंगूर भी ऊपर बैठे हुए थे, तो इसका मतलब पता नहीं जो भी था यार वो इतनी है कि भाई हालत ख़राब हो गई थी बस, मेरी भी अभी हालत ख़राब हो रही है। और मेरी हालत पता है कब ऊपर ख़राब नहीं है, मतलब मैं भी बड़ा पागल हूँ। हाँ चलते हैं भाई नीचे नदी में।